लास्ट कल हम लोगों ने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया था कौन से मेथड से, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट। ठीक है, आज का टॉपिक है डिटरमिनेंट। क्या डिटरमिनेंट बोलते किसको है? सबसे पहले ये लिख लो कि डिटरमिनेंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। डिटरमिनेंट को डिनोट किया जाएगा किससे? कैपिटल लेटर। अब वो लेटर कोई भी हो, ए बी सी डी ई एफ जी, कोई भी लेटर हम इस्तेमाल कर सकते। अब डिटरमिनेंट बोलते किसको है? इफ देयर आर फोर नंबर्स ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, कितने नंबर है? चार नंबर है। ठीक है, आर रिटन इन द फॉर्म ए बी सी डी, कितने नंबर है? चार नंबर है, ए बी सी डी। ठीक है, और वो इस फॉर्म में लिखे गए हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सच फॉर्म इज कॉल्ड डिटर। इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अगर चार नंबर इस पर्टिकुलर फॉर्म में लिखे हो तो इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? और डिटरमिनेंट का नाम लिखा जाएगा कौन से लेटर से? कैपिटल लेटर से। ठीक है, अब डिटरमिनेंट में कॉलम कितने हैं? दो, एक दो। अगर इसको मैं लाइन बना दूं, इधर समझाने के लिए सिर्फ लाइन बना रहा हूं, बनाना नहीं है। कॉलम कितने हैं? दो। रो कितने हैं? दो रो है ना भाई, चार कैसे? रो कितने हैं और कॉलम भी कितने हैं? देर आर टू कॉलम्स एंड टू रोज। ठीक है, देयरफॉर the degree of determinant is 2। objective में पूछ सकता है degree of determinant is dash, क्या लिखोगे आंसर? यहां पर determinant के पास दो रो होती है और दो कॉलम होते हैं, इस वजह से determinant की डिग्री कितनी है? 2। क्लियर है? फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट की वैल्यू को निकालने का फॉर्मूला, डिटरमिनेंट की वैल्यू को निकालने का फॉर्मूला। डिटरमिनेंट इज इक्वल टू एडी माइनस बीसी। डिटरमिनेंट को निकालने का फॉर्मूला क्या है? डिटरमिनेंट को निकालने का फॉर्मूला क्या है? डिटरमिनेंट को निकालने का फॉर्मूला क्या है? देखो, एडी माइनस एडी का मतलब हो गया ए मल्टीप्लाई बाय बीसी, का मतलब हो गया बी मल्टीप्लाई बाय सी। दोनों की वैल्यू को क्या करने का? तो किसकी वैल्यू मिलेगी? एग्जाम्पल, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ
इस डिटरमिनेंट की क्या फाइंड करना है? सबसे पहला डिटरमिनेंट का नाम कौन से लेटर में लिखा जाएगा? तो कैपिटल लेटर लिखता हूं ए, डिटरमिनेंट का नाम दे दिया मैंने, इज इक्वल टू, अब ये सेम एज इट इज डिटरमिनेंट लिखता हूं 5, 10, 2, 3। अब डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? तो ये मेरा ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी। तो ए डी यानी ए को डी से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 5 × 3, उसके बाद कौन सी साइन, फिर क्या आएगा बी यानी 10 × 2, तो 5 × 3 = 10, 2 = 15 − 20, द आंसर विल बी माइनस, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस में है। देखो डिटरमिनेंट का फॉर्मूला क्या है, एडी माइनस बीसी। हाँ, तो ए को डी से करने का, डी ए को नहीं, डी से ए को मल्टीप्लाई करोगे तो रॉन्ग। हाँ, तुम बोलोगे सर आंसर तो वही आएगा, ए को डी से मल्टीप्लाई करो या डी को, आंसर वही आएगा। बी को सी से मल्टीप्लाई करो या सी को, आंसर बदलने वाला नहीं है, लेकिन सब क्या हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि फॉर्मूला क्या बना है, एडी माइनस बीसी। तो जो नंबर अरेंज होंगे ये ए है, ये बी, फिर सी और फिर डी। तो ए को डी से मल्टीप्लाई करो, बी को सी से मल्टीप्लाई करो, दोनों की वैल्यू को क्या कर दो माइनस, तो तुम्हें मिल जाएगा डिटरमिनेंट की वैल्यू। समझ में आ गई बात, आया ना, क्लियर है? ठीक है, डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट मेथड और क्रेमर्स रूल, दूसरा मेथड देख रहे हैं, उस मेथड का नाम है डिटरमिनेंट मेथड या फिर कल पहला मेथड किया था ना, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का ये दूसरा मेथड करा रहा हूं। दूसरे मेथड का नाम क्या है? इसको डिटरमिनेंट मेथड भी बोलते हैं या फिर इसको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सॉल्व द इक्वेशन बाय डिटरमिनेंट मेथड या फिर सॉल्व द इक्वेशन बाय क्रेमर्स रूल, तो कंफ्यूज होने का नहीं। डिटरमिनेंट मेथड का दूसरा नाम क्रेमर्स रूल, ये क्योंकि ये जो मेथड है ये किसने निकाला? क्रेमर्स ने निकाला था। किसने निकाला था? इसलिए इसको बोलते हैं क्रेमर्स रूल। अब क्रेमर्स रूल से साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे वो सिखाता हूं। सबसे पहले इसके स्टेप देख लो, क्या देख लो, स्टेप वन ध्यान से देखना, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वन बी वन सी वन एंड ए टू बी टू सी टू। स्टेप नंबर वन क्या फाइंड करेंगे? ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू की वैल्यू, क्लियर? स्टेप नंबर टू, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी, स्टैंड फॉर डिटरमिनेंट, डी स्टैंड फॉर ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन B2 is equal to A1 multiply by B2 minus B1 multiply by A2. Step 2 किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे? D is set for determinant.
मैं पहला सारे स्टेप लिखा रहा हूं। स्टेप थ्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब डिटर्मिनेंट एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। सी वन अपॉन सी टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन मल्टीप्लाई बाय बी टू माइनस बी वन मल्टीप्लाई बाय सी टू। ठीक है, ओके। स्टेप नंबर फोर, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट की वाई, डिटर्मिनेंट वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या लेंगे? ए वन अपॉन ए टू सी वन अपॉन सी टू इज इक्वल टू ए वन मल्टीप्लाई सी टू माइनस सी वन मल्टीप्लाई ए टू। ठीक है, पहला स्टेप ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू की वैल्यू निकालो। दूसरा स्टेप डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो। तीसरा स्टेप डिटरमिनेंट एक्स की वैल्यू निकालो। चौथा स्टेप डिटरमिनेंट वाई की वैल्यू निकालो। अब आ गया लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर फाइव। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई by using formula, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए formula आएगा determinant x upon d और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए formula आएगा determinant y upon d। सब हो गया खत्म, पांच स्टेप में तुम्हारा सब खत्म होगा। कितने स्टेप में सब खत्म होगा? पांच स्टेप में। तो मैंने पहला स्टेप लिखा दिया, हाँ या ना? अब तुम बोलोगे सर ये ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू क्या है? एक बार ये मिल जाए तो ये सब अपने आप समझ में आ जाएगा, है ना? अच्छा, ये मेथड है क्रेमर्स रूल। इससे तुम सॉल्व करने जा रहे हो साइमल्टेनियस लीनियर, यानी हमारे पास कितने लीनियर इक्वेशन होंगे, है ना? दो लीनियर इक्वेशन जब एक साथ आते हैं तो उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। और उस साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्रेमर्स रूल के मुताबिक। बात समझ आ रही है? ठीक है, अब एक एग्जाम्पल देता हूं। y plus 2x is equal to 90 और दूसरा यह हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू। तो इसको सिंप्लीफाई करता हूं, ऐसा लिखता हूं 2x plus y is equal to 90 और दूसरा लेता हूं 2x minus 3y is equal to minus 3। कितने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, है ना? यस और नो? तो इस सिस्टम को क्या बोलोगे? साइमल्टेनियस लीनियर। इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं कौन से मेथड से? ये इतना इजी है ना, हर कोई कर पाएगा। थोड़ा ध्यान देना है तुम लोग, तो तुम लोग सब अच्छे से ध्यान दो, ठीक है? कितने इक्वेशन है? दो। ये इक्वेशन नंबर और ये इक्वेशन नंबर टू। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 19, ये है मेरा इक्वेशन नंबर वन, बराबर। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 3, ये है मेरा इक्वेशन नंबर टू। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का या फिर लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू, वहां पर a, b और c क्या है? क्या होंगे वो? नंबर्स होंगे। क्या होंगे वो? ठीक,
ये तुम्हारा ए हो गया, अभी इसके पास नंबर नहीं है तो क्या समझ लेगा, ये तुम्हारा बी हो गया, ये तुम्हारा सी, ए बी सी। अब ये ए बी सी कौन से इक्वेशन का है, तो ये हो जाएगा ए वन, ये हो जाएगा बी वन, ये हो जाएगा सी वन, बराबर। अब सेकेंड इक्वेशन में ये ए हो गया, ये बी हो गया, साइन के साथ, हा साइन के साथ इंपॉर्टेंट है, और ये हो गया सी। अब ये एबीसी कौन से इक्वेशन का है, तो ये हो गया ए टू बी टू सी टू, मिल गया ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू की वैल्यू, निकालने नहीं पड़ती, क्वेश्चन में ही होती है, समझ में आ रही है ना बात, हाँ या ना। इक्वेशन नंबर वन का जो एबीसी है ए वन बी वन सी वन, इक्वेशन नंबर टू का जो एबीसी है वो ए टू बी टू सी टू। अभी जरा इसको क्लियर अच्छे से लिख देते हैं, किसी वेरिएबल के साथ अगर कोएफिशिएंट नहीं होगा तो उस वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या होगा, क्या होगा, वन। कोएफिशिएंट यानी नंबर जो वेरिएबल के साथ होगा, जैसे कि ये वेरिएबल एक्स है, इसका कोएफिशिएंट क्या है, लेकिन ये वेरिएबल वाई, इसका कोएफिशिएंट नहीं है, तो क्या अज्यूम करने का, क्या अज्यूम करने का, तो चलो मैं इधर वैल्यू लिखता हूं, ए वन टू है, बी वन वन है, और सी वन 19 है, ए टू टू है, बी टू क्या है -3 साइन के साथ, और सी टू क्या है -3, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो स्टेप नंबर वन बोला था ए बी ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू की वैल्यू फाइंड करो, कर दिया। स्टेप नंबर टू क्या बोलता है, किसकी वैल्यू फाइंड करो, डी स्टैंड फॉर, डी स्टैंड फॉर, चलो अब डी फाइंड करते हैं। देखो डी फाइंड करने के लिए हमको क्या क्या लेना है, हमें लेना है ए वन ए टू, हमें लेना है बी वन, यानी डी फाइंड करने के लिए हमने किसको इग्नोर किया, सी वन सी टू को इग्नोर किया, समझ में आ गई बात। एग्जाम में पूछ सकता है कि क्रेमर रूल से जब हम डी फाइंड करते हैं तो क्या इग्नोर करेंगे, सी वन और C2। चलो वैल्यू डाल दो, ए वन की जगह पर क्या लिखोगे और ए टू की जगह पर क्या लिखोगे, फिर बी वन की जगह पर क्या लिखोगे और बी टू की जगह पर क्या लिखोगे, अब इसको मल्टीप्लाई करने का सिस्टम देखो, एक ही बार बताऊंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई तो होगा, ठीक है, टू को किससे मल्टीप्लाई करने का -3 और वन को किससे मल्टीप्लाई करने का, उल्टा मत करना, -3 को टू से मल्टीप्लाई मत करना और टू को वन से मल्टीप्लाई मत करना, ऐसा लिखोगे तो समझ आएगा रॉन्ग, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में साइन कौन सी होगी, अब मल्टीप्लाई करो, थ्री वन सा थ्री, थ्री टू सा थ्री, माइनस में है टू प्लस में है, नंबर के पहले अगर साइन नहीं है उसका मतलब उसकी कौन सी साइन, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाता है माइनस, फिर ये माइनस एज इट इज, टू वन सा, अब माइनस माइनस क्या करने का, तो 6 प्लस टू होगा कितना, बड़े नंबर की साइन डालो, बड़ा नंबर 6 तो आंसर में भी साइन आएगी माइनस की, डी की वैल्यू तुमको क्या मिली, सिंपल था। चलो डी के बाद स्टेप नंबर 3 में क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, चलो डीएक्स फाइंड करके बताता हूं। अब डीएक्स फाइंड करने के लिए क्या क्या चाहिए, जैसा दिया है वैसा ही लेना, तो क्या लिया है, सी वन बी वन, अब तुम मेरे को बताओगे डीएक्स फाइंड करने के लिए किसको इग्नोर किया, ए वन ए टू को इग्नोर किया, चलो ठीक है। अब वैल्यू डालेंगे, ध्यान से देखो, सी वन कितना है 19 और सी टू कितना है, ओके, बी वन कितना है और बी टू कितना है, अब बताओ इसको मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कैसे करना है, 19 मल्टीप्लाई बाय और उसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाय -3। अच्छा अब इनके बीच में साइन कौन सी होगी, चलो 93 सा कितना आता है, 39 सा 2 कैरी, 3 1 सा 3 प्लस 2। अच्छा तुम अब मेरे को बताओ ये माइनस में है और ये 19 किस में है, तो माइनस इंटू प्लस क्या होगा, फिर ये माइनस की साइन एज इट इज डालता हूं,
हाँ ठीक है। उसके बाद थ्री वंजा थ्री माइनस इंटू प्लस माइनस, अब इसको मैं डालूंगा ब्रैकेट में, किसमें डालूंगा सेकेंड नंबर अगर नेगेटिव आ रहा है उसको किसमें डालने का, हाँ फर्स्ट नंबर अगर नेगेटिव है तो उसको ब्रैकेट में डालने की जरूरत। अब यहां पे देखो माइनस 57, अब ब्रैकेट मतलब कौन सी साइड, तो माइनस इंटू माइनस, या तो इधर में डायरेक्ट बता दो तुमको तो डायरेक्ट भी हो जाएगा काम। ध्यान से इधर देखो, ये माइनस था, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, होगा ना डायरेक्ट साइन आ गई प्लस की, झंझट खत्म, फिर डायरेक्ट फिर मल्टीप्लाई करो सिर्फ थ्री वंजा थ्री, अब इक्वल माइनस प्लस क्या होता है माइनस, प्लस माइनस करेंगे तो 57 में से 3 कम कर दो तो कितना बचेगा 34। अच्छा बड़ा नंबर कौन सा है 57 या 3, उसकी साइन माइनस है तो आंसर में भी साइन कौन सी होगी माइनस, तो डी एक्स मेरे को कितना मिला माइनस 34। चलो स्टेप नंबर 4, किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे डी वाई, चलो डी वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब डी वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो दिया है वही लो, क्या दिया है ए वन और सी वन, यानी डी वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने किसको इग्नोर किया, बी वन बी टू को इग्नोर किया। अब जैसे दिया वैसे वैल्यू लिख दो, ए वन की वैल्यू क्या है, ए टू की वैल्यू क्या है, सी वन की वैल्यू क्या है और सी टू की वैल्यू क्या है। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, बिंदास बोलो डरो नहीं, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, कैसे करोगे तो टू को किससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस थ्री, इसको डाल दो ब्रैकेट में, और 19 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, अब इन दो ब्रैकेट के बीच में साइन कौन सी आएगी, चलो मल्टीप्लाई पहला करो, थ्री टू सा एक नंबर माइनस में है दूसरा नंबर और उनके बीच में साइन है मल्टीप्लाई, तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस, फिर ये माइनस की साइन डाल दिया, 19 टू सा कितना होता है 19 2 38, ठीक है। अब बताओ माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो 38 प्लस 6 कितना होगा 44, दोनों नंबर नेगेटिव है, बड़ा नंबर भी नेगेटिव है ना, बड़े नंबर की साइन देखनी होती है तो बड़ा नंबर के साइन क्या है माइनस, तो आंसर में भी साइन माइनस, तो अपने को डी वाई डिटरमिनेंट वाई की वैल्यू क्या मिली माइनस 44, अपने को डिटरमिनेंट की वैल्यू मिली, डिटरमिनेंट एक्स की वैल्यू मिली, डिटरमिनेंट वाई की वैल्यू मिली, यानी कि अब अपने को x और y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या लेंगे डी एक्स अपॉन डी, ठीक है इज इक्वल टू डी एक्स, बच्चों कितना मिला अपॉन d कितना है -8, ठीक है। अब डिवाइड देखो कैसा करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों माइनस पे, तो माइनस माइनस हो जाएगा, 8 के टेबल में 54 आता है क्या, आता है नहीं आता है, नहीं आता है टेबल नहीं आता है 8 का, आता है नहीं आता है, अरे नहीं आता है भाई, तो अभी इसको क्या करो 2 से डिवाइड करो, तो 227 का 54 और 24 का 8, तो तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा 27 अपॉन 4, यानी x की वैल्यू तुमको क्या मिली, ठीक उसी तरह अब तुम किसकी वैल्यू फाइंड करोगे वाई की, वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या लेंगे फॉर्मूला डी वाई अपॉन, ठीक है। अब डी वाई की वैल्यू मेरे को क्या मिली अपॉन डी की वैल्यू क्या है माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब 44 और 8 के टेबल में 44, तो इसको सिंपल करो किससे डिवाइड करोगे 4 से डिवाइड करो, 4 11 4 2 तो तुम्हें y की वैल्यू मिलेगी 11 अपॉन 2, x और y की वैल्यू मिल गई, मतलब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व हो गया। लास्ट में कंक्लूजन कैसा लिखोगे, पहला लिखोगे x की वैल्यू, क्या लिखोगे 27 अपॉन 4, कॉमा डाल दो, फिर लिखो y की वैल्यू 11 अपॉन 2, ब्रैकेट डालकर लिख दो आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इस तरह क्रेमर्स रूल की मदद से साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। स्टेप नंबर 1 क्या फाइंड करने का, a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू,
स्टेप नंबर टू क्या फाइंड करने का, डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए किसको इग्नोर करो, C1, C2 को। उसके बाद क्या फाइंड करोगे, DH की वैल्यू फाइंड करने के लिए किसको इग्नोर करोगे, उसके बाद क्या फाइंड करोगे, DY की वैल्यू फाइंड करने के लिए किसको इग्नोर करोगे। ठीक है, अब जैसा दिया है वैसा ही लिखना। D फाइंड करने के लिए क्या है, A1, A2, B1, वैसा ही लिखना, ऐसा मत लिखना B1/B2, A1/A2, तो सम क्या हो जाएगा, आंसर तुमको यही मिलेगा जो आ रहा है, लेकिन सब क्या होगा क्योंकि तुमने रूल फॉलो नहीं किया। फिर डीएच फाइंड करने के लिए पहले क्या लिखेंगे, C1, C2, उसके बाद लिखेंगे B1, B2। ठीक है, फिर डीवाई फाइंड करने के लिए फिर क्या लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, A1, A2, फिर C1, C2। एक बार डीएच और डीवाई इसकी वैल्यू मिल गई, लास्ट में हमें वेरिएबल एक्स और वाई की भी वैल्यू मिलेगी। वेरिएबल एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या लोगे, DX/DY। वेरिएबल वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या लोगे, DY/D। स्टैंड फॉर डिटरमिनेंट, डी स्टैंड फॉर डिटरमिनेंट। इस तरह डिटरमिनेंट मेथड या फिर क्रेमर्स रूल की मदद से साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। बात समझ आ गई, चलो कॉपी करो पढ़ो।